नबाबी रोड स्थित कुमाऊं टेंट हाउस के गोदाम में दीपावली की रात आग लगने से दर्दनाक हादसा हुआ है। टेंट हाउस के गोदाम में सो रही 3 कर्मचारियों की जलकर मौत हो गई है। वहीं टेंट हाउस का सारा सामान भी जलकर खाक हो चुका है। वहीं सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी ने बताया कि घटना रात करीब 12 बजे के आसपास की है, जहाँ कालाढोंगी रोड स्थित कुमाऊं टेंट हाउस के गोदाम में अचानक आग लग गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ, उस वक्त टेंट हाउस के गोदाम में 3 कर्मचारी सो रहे थे। आग लगने के बाद कर्मचारी बाहर नहीं निकल पाए और आग के विकराल रूप ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची अग्निशमन की 6 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। हेलो सर, सो रहे थे, जब सोए में जब आग लगे हुए जल रहे थे, एक गिरा बूंद तब नींद टूटा तो उठ के भागा हम लोग। उसके बाद बाकी तो देखा ही नहीं, आग लगा खूब, आग जल रहे थे खूब, धंधरा फेंक रहे थे, उठा। कितने लोग थे? दिवाली का दिन था और ये हमारे शहर का सबसे पुराना टेंट हाउस है, कमाऊ टेंट हाउस है, काफ़ी पुराना है। मेरे पास यहाँ, ये मेरा ही वार्ड लगता है, वार्ड नंबर 11, तो यहाँ वालों का मेरे पास फ़ोन आया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर आग लग गई। फिर जैसे पता चला तो यहाँ पर बहुत भयंकर आग लगी हुई थी। 12:06 पर मेरे पास फ़ोन आया, 12:13 पर मैंने कोतवाल और सिटी मजिस्ट्रेट को फ़ोन कर दिया था, और करीबन 12:13-14:15 तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पे आ गई थी। सूचना पे यहां पे तत्काल फायर फोर्स, हमारी फायर सर्विस की टीम तुरंत पहुंच गई थी। SHO हल्द्वानी टीम के साथ आ गए थे। उसके बाद मैं मौके की नज़ाकत को देखते हुए स्वयं मैं, SP सिटी साहब और तमाम फोर्स बार का मौके पर आ गया था। आग को बमुश्किल काबू में किया गया। संभवतः घटना 12:12 पे कंट्रोल रूम में हमको मैसेज मिला घटना के बारे में, तो 5 मिनट में हमारी दमकल गाड़ी आ गई पहली, उसके साथ तब उसने बताया कि घटना बढ़ी, तो 2 मिनट में दूसरी गाड़ी आ गई। फिर देख के पता चला कि आग और बढ़ रही है, तो MB कॉलेज में जो गाड़ी थी उसको भी बुला लिया गया। फिर लालकुआ से भी गाड़ी बुला ली गई और उसके बाद रामनगर से भी 2 गाड़ी बुला ली गई। देखिए, अभी तो जो हमारे टेंट व्यापारी के बच्चे जो कर्मचारी थे, उनकी स्थिति को हम लोग देख रहे हैं। ये सब आकलन अभी का विषय नहीं है। अभी हम लोगों को तुरंत उनको जिस तरीके से उनके परिजनों को सांत्वना दे करके उनके शवों का दाह संस्कार तक, उनके घर तक पहुंचाना, ये हमारी प्राथमिकता है। इस पर हम काम कर रहे हैं। बाकी ये सब आकलन बाद का विषय है।